दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और इमोशनल मूवी के साथ फिर से हाजिर हूँ। पिछली कुछ मूवीज को देखते वक्त मुझे काफी रोना आया और जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया तो आप में से हजारों लोगों के कमेंट्स मुझे मिले जिनमें लिखा था कि सर आपने तो वाकई में रुला दिया। तो दोस्तों मेरा मानना है कि दूसरों के जीवन को देखकर हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, चाहे वो सब हमें एक मूवी के जरिए ही क्यों ना समझाया जाए। और रही बात साउथ सिनेमा की तो वो अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने में अच्छे से सफल भी हो जाते हैं और इस बात का प्रमाण आप लोगों के प्यार में है जो आप इन मूवीज पर बरसाते हैं। तो चलिए फिर से तैयार हो जाइए आज की इस मूवी पर भी प्यार लुटाने के लिए। मूवी की शुरुआत होती है काशी नाम के एक बूढ़े आदमी से जिसको सभी लोग काशी दादा के नाम से पुकारते हैं। 3 महीने पहले पड़े पैरालिसिस अटैक की वजह से काशी दादा तब से बिस्तर पर ही हैं, ना कुछ बोलते और ना कुछ खाते पीते। उनकी 2 बेटियां और 3 बेटे हैं जो पिछले महीने से उनकी देखभाल कर रहे हैं। खासकर छोटी बेटी कुसुम अपने पिता की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है और कुसुम को छोड़कर सभी को अपने पिता काशी दादा बोझ लगने लगते हैं। अब एक रात सभी बहन भाई आपस में बात करने लगते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, हम लोगों की अपनी भी फैमिलीज हैं, इतने महीनों से बाबा ने कोई हरकत नहीं की और पता नहीं कब तक नहीं करेंगे। इस तरह आपस में बात करते करते सभी भाई बहन ये डिसीजन लेते हैं कि काशी दादा के अंगूठे के निशान को प्रॉपर्टी के कागज पर लेकर उनको मार देंगे। दरअसल ये मारना वैसा मारना नहीं है। साउथ में बहुत पहले एक प्रथा थी जिसमें एक बूढ़े आदमी को जिसकी बचने की उम्मीद ना के बराबर होती थी उसकी पहले एक रात गर्म तेल से मालिश की जाती थी और फिर अगले दिन ठंडे पानी से नहलाकर नारियल पानी पिलाया जाता था। ऐसा करने से उस बूढ़े आदमी के इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो जाते थे और वो 24 घंटे के अंदर मर जाता था। हालांकि सरकार ने अब इस पर रोक लगा दी है लेकिन इस फिल्म में उसी तरह से मारने की बात हुई है। खैर सभी भाई बहन बात तो कर लेते हैं लेकिन कुसुम इसके लिए तैयार नहीं होती। वो कहती है कि मैं बाबा को संभाल लूंगी लेकिन आप लोग ऐसा मत करो। वो कहती है कि माँ के जाने के बाद बाबा ने ही हम सभी को पाला पोसा और पढ़ाया, यहाँ तक कि हमारी शादी भी की, और आप लोग हो कि ये सब करने की सोच रहे हो। कुसुम सबसे ये सब कहती तो है लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसी बीच काशी दादा को होश आ जाता है और वो अपने बच्चों की इन बातों को सुन लेता है। ये सब सुनकर उसको मन ही मन बहुत दुख होता है कि मेरे ही बच्चे मुझे मारने की बात कर रहे हैं, मैंने इनको इतना बड़ा किया और ये मुझसे सिर्फ कुछ ही महीनों में हार गए। अब थोड़ी देर बाद सभी वापस काशी दादा के कमरे में आते हैं लेकिन बेचारे काशी दादा वहाँ से भाग जाते हैं। काफी देर चलने के बाद वो आखिरकार एक जगह थककर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में एक बंदा वहाँ से बाइक लेकर निकलता है तो उनसे पूछता है कि बाबा हाँफ क्यों रहे हो। दादा कहते हैं कि प्यास लगी है इसलिए थोड़ी सांस फूल रही है। इस तरह वो लड़का उन्हें पानी पिलाता है और बाद में उनके कहने पर उन्हें बस स्टॉप पर ड्रॉप कर देता है। अब एक रैंडम बस में बैठकर काशी अपनी किस्मत पर रोने लगता है और अपने बच्चों की सोच को देखकर भी दुखी होता है। इतनी देर में कंडक्टर उनसे पूछता है कि बाबा कहाँ जाना है तो वो कहता है कि जहाँ तक भी ये बस मुझे ले जाए मुझे वहाँ तक की टिकट दे दो क्योंकि फिलहाल मेरी मंजिल मुझे नहीं पता। अब इस तरफ काशी दादा बस में बैठकर निकल पड़ता है और वहीं उसके बच्चे सभी जगह उनको ढूंढ रहे होते हैं। वो काशी के दोस्त से लेकर अपने रिश्तेदारों के पास भी जाते हैं लेकिन उन्हें काशी का कोई सुराग नहीं मिलता। दूसरे दिन सुबह वो बस अचानक से खराब हो जाती है तो ड्राइवर कहता है कि मैंने फोन कर दिया है, आप लोग आधे घंटे का वेट कीजिए, दूसरी बस आते ही सभी को उसमें बिठा दिया जाएगा। अब इस बीच काशी दादा को भूख लगने लगती है और वैसे भी उनका शरीर बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो चुका था इसलिए उन्हें खाने की जरूरत भी थी। अब बेचारे के पास इतने पैसे नहीं होते इसलिए वो भगवान के बारे में सोचकर हाथ जोड़ने लगता है। तभी उसे पास के मंदिर में घंटे की आवाज़ सुनाई देती है। वो फौरन वहाँ पहुँचकर लंगर में मिल रहे प्रसाद से अपना पूरा पेट भर लेता है। अब इतने दिनों बाद ठीक से खाना खाने की वजह से उसे बहुत तेज नींद आती है इसलिए वो बस का वेट करते करते उसी मंदिर के पास सो जाता है। अब काशी तो सोता रह जाता है और बस बाकी सवारियों को लेकर निकल जाती है। गहरी नींद में सो रहे काशी दादा के पास अब कुट्टी नाम का एक छोटा सा बच्चा आता है। वो काशी दादा को जगाता है और कहता है कि ये मेरी जगह है, तुम कौन हो भाई। अब इतने छोटे बच्चे को ऐसा बोलते देख काशी दादा को हंसी आ जाती है और अपने पोते पोतियों की याद भी, पर वो कुट्टी से बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए वहाँ से चल देता है। अब उसे पता चलता है कि बस तो निकल गई इसलिए वो पास वाले होटल में जाकर बिरयानी के बारे में पूछता है कि बिरयानी कितने की है, कब मिलेगी। होटल वाला उससे कुछ कहता तभी पास खड़ा मुत्तू नाम का एक लड़का उससे कहता है कि बाबा 12 बजे बिरयानी तैयार होती है और उसकी कीमत 100 रुपए है इसलिए आप 12 बजे आ जाना। दरअसल काशी दादा को बिरयानी काफी पसंद होती है और इतने महीनों से ना खाने की वजह से उनका बिरयानी खाने का मन होता है।
इसलिए वो 12 बजे का इंतजार करने लगता है और वापस उसी मंदिर पर जाकर साफ सफाई के काम में श्याम नाम के एक पुजारी की मदद करने लगता है। तभी वहाँ कुट्टी भी आ जाता है और श्याम उसे देखकर कहता है कि देखो, इनको ये कितने बूढ़े होकर भी मंदिर के कामों में मदद कर रहे हैं, तुम्हें इनसे कुछ सीखना चाहिए। कुट्टी मजाक करते हुए कहता है कि हाँ, मैंने अभी इनसे सीखा है कि खर्राटे कैसे मारे जाते हैं। ये सुनकर काशी फिर से हंसने लगता है और इतने में कुट्टी वहाँ से चला जाता है। श्याम काशी से कुट्टी के मजाक पर माफी मांगता है, पर काशी कहता है कि नहीं बेटा, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे तो तुम्हारे बेटे को देखकर हंसी आती है क्योंकि वो मेरे पोते जितना बड़ा है। श्याम उससे कहता है कि बाबा, वो मेरा बेटा नहीं है, दरअसल इसके माँ बाप इसे इसी मंदिर में बरसों पहले छोड़कर चले गए थे और तब से ये यहीं पर है, हम सब मिलकर इसकी देखभाल करते हैं, पर ये दिमाग में काफी तेज है, इसलिए इसको स्कूल में दाखिला भी दिलाना है, लेकिन अभी पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा। ये सुनकर काशी भी दुखी होता है कि एक तरफ उसके बच्चे हैं जो उसको मारना चाहते हैं और एक तरफ ये बच्चा जिसके माँ बाप ही उसे छोड़कर चले गए। खैर, अब 12 बज जाते हैं और काशी उसी होटल पर पहुँचता है। होटल का मालिक उससे पूछता है कि बाबा, आप कहाँ से आए हो, आपको इस गाँव में पहली बार देखा है। पर काशी कोई जवाब ना देते हुए बिरयानी के आने का वेट करने लगता है। अब इससे पहले कि बिरयानी काशी दादा के पास आती, कुट्टी वहाँ पहुँच जाता है। वो होटल वाले से कहता है कि अरे काका, इस आदमी को बिरयानी दे रहे हो, पहले देख तो लो इसके पास 100 रुपए हैं भी या नहीं। ये सुनकर होटल वाला काशी दादा से पैसे देने को कहता है। अब काशी पैसे निकालता है तो पता चलता है कि सच में उसके पास पूरे 100 रुपए नहीं है, इसीलिए अब वो बिरयानी खाए बिना ही वहाँ से दुखी होकर मंदिर की तरफ वापस जाने लगता है। इतनी देर में कुट्टी श्याम के पास जाकर कहता है कि वो बूढ़ा आदमी सामने वाली होटल से बिरयानी खाकर मंदिर में जा रहा है, इसलिए श्याम काशी को रोककर कहता है कि बाबा, मांस खाकर मंदिर में आप नहीं आ सकते, इसलिए आपको बाहर ही कहीं रुकना होगा। अब काशी उसको बताने की कोशिश करता है कि उसने बिरयानी नहीं खाई, लेकिन श्याम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। बेचारा काशी उस मंदिर के बाहर ही बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब वो कहाँ जाएगा। इधर उसके बच्चे उसको ढूंढने के लिए ईशान नाम के डिटेक्टिव की मदद लेने लगते हैं। वो अब धीरे धीरे गांव में सभी से काशी के बारे में पूछताछ करने लगता है। उधर काशी मंदिर के बाहर एक खेत के मालिक को खेत के कुछ टिप्स देता है। वो कहता है कि अगर तुम इस तरह अपनी फसल का ध्यान रखोगे तो तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होगा। ये टिप्स सुनकर वो मालिक बेहद खुश होता है और उसको इसके बदले में 100 रुपए देता है। उन 100 रुपयों को लेकर अब काशी दादा बड़े स्टाइल से होटल में जाकर बिरयानी ऑर्डर करता है और सुकून से उसे खाता है। बिरयानी को इतना स्वाद से खाते देखकर अब बाकी कस्टमर्स भी ये सोचने लगते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है, इसलिए कुछ लोग चाय को छोड़कर बिरयानी ऑर्डर करने लगते हैं और कुछ लोग बिरयानी को पैक करके घर ले जाने लगते हैं। इस तरह आज का दिन होटल मालिक के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो बाद में आकर काशी दादा से कहता भी है कि बाबा, कल आप इसी वक्त होटल में आ जाना, बिरयानी आपको रेडी मिलेगी। उधर ईशान काशी दादा के घर पर अलग अलग रस्सी को एक अजीब तरीके से बंधे हुए देखता है, तो वो काशी दादा के बड़े बेटे स्वामी से इसके बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि काशी दादा के अंदर रस्सी को बांधने का एक अलग ही हुनर है। वो किसी भी रस्सी को इस तरह बांध सकता है जिसे कोई भी आसानी से नहीं खोल सकता। ईशान इस पॉइंट को नोट कर लेता है। वहीं मंदिर में अगले दिन एंडोर्समेंट वाले इंक्वायरी के लिए आते हैं। वो मंदिर के सुपरवाइजर को बुलाकर पूछते हैं कि इस मंदिर में इतना चढ़ावा आता है, लेकिन हमें लगता है कि सरकार के पास उसमें से बहुत ही कम चढ़ावा भेजा जाता है, क्या ये बात सही है, तुम किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो। अब सुपरवाइजर कुछ कहता उससे पहले ही कुट्टी बीच में बोल पड़ता है कि अरे सर, आप हमारे काका पर शक कर रहे हो, ये इतने ईमानदार हैं कि रोज मंदिर में चढ़ाए हुए पैसों को अपने घर ले जाकर पर्सनली गिनते हैं और फिर अगले दिन मंदिर में रख देते हैं। अब कुट्टी को लग रहा था कि वो सच बोलकर सुपरवाइजर की मदद कर रहा है, पर अनजाने में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हम सभी जानते हैं कि मंदिर का चढ़ावा पुजारी अपने घर नहीं ले जाते, बल्कि इकट्ठा करके एक जगह पर रख देते हैं, पर कुट्टी की उम्र कम थी और उसे लगता था कि सुपरवाइजर रोज पैसे गिनने के लिए घर ले जाता है, बेचारा कुट्टी। इस तरह सुपरवाइजर की पोल सबके सामने खुल जाती है और इंक्वायरी करने आई टीम उसे अगले हफ्ते सीनियर्स के सामने जवाब देने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही वो सुपरवाइजर कुट्टी के ऊपर टूट पड़ता है और उसे खूब मारता है। श्याम उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। कुट्टी को मारते मारते सुपरवाइजर कहता है कि तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी। कुट्टी रोते रोते श्याम से पूछता है कि काका, मैंने तो सच बोला, फिर ये मुझे क्यों मार रहे हैं, मेरी क्या गलती है। तभी सुपरवाइजर कहता है कि वो क्या बताएगा, गलती तूने नहीं मैंने की है, जो तुझे बचपन से इस मंदिर में रहने की परमिशन दी, चले जाओ मेरे सामने से, नहीं तो तुमको जान से मार डालूंगा। ये सब देखकर श्याम बहुत ही दुखी होता है, लेकिन सुपरवाइजर को नहीं रोक पाता। इसके बाद कुट्टी अपना बैग लेकर वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है और कहता है कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। जंगल में वो एक नदी के पास बैठ जाता है
और इत्तफाकन काशी दादा भी आराम करने के लिए जगह की तलाश करते करते उसी नदी के पास आ जाते हैं। कुट्टी को परेशान देखकर वो उससे पूछता है कि बेटा क्या हुआ है, तुम तो इतना बोलते हो फिर इतने शांत क्यों बैठे हो। कुट्टी कहता है कि मैंने आपके बारे में श्याम काका से झूठ बोला कि आपने बिरयानी खाई थी, इसलिए उन्होंने आपको वहाँ से निकाल दिया। और आज जब मैं सभी के सामने सच बोल रहा था तो सुपरवाइजर ने मुझे बहुत मारा। लगता है भगवान ने मुझे आपके साथ किए गलत काम की सजा दी है। छोटे बच्चे के मुंह से इतनी होशियारी भरी बात सुनकर काशी दादा मुस्कुराने लगता है। तभी कुट्टी कहता है कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम कुट्टी है। काशी दादा अपना नाम बताता है तो कुट्टी हंसने लगता है। वो कहता है कि अरे ये कैसा नाम है इतना बड़ा, चलो इसे थोड़ा छोटा करते हैं, आज से तुम्हारा नाम केडी है, काशी का के और दादा का डी। ये सुनकर कुट्टी तो हंसने लगता है कि काशी को श्याम की बात याद आ जाती है जब उसने कहा था कि कुट्टी होशियार है इसलिए उसे पढ़ने के लिए स्कूल भेजना चाहता हूँ। खैर अब इस तरह दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। उधर ईशान को वो लड़का मिलता है जिसने काशी को उस रात लिफ्ट दी थी। वो उसे बताता है कि मैंने अंकल को उस रात बस स्टॉप पर छोड़ दिया था। इस बीच कुट्टी और काशी अब किसी दूसरे मंदिर में जाकर वहीं रात गुजारते हैं। रात को काशी उसे अपने बच्चों की सोच के बारे में बताता है, पर कुट्टी कहता है कि अरे दोस्त तुम्हारे बच्चे तो तुम्हें मारने वाले थे पर तुम भाग आए, जबकि मुझे तो मेरे माँ बाप ने मरने के लिए बचपन में ही छोड़ दिया था। क्या मैं तुम्हारी तरह उदास हूँ? फिर तुम क्यों उदास हो, चलो अब एंजॉय करो, बहुत हो गया रोना धोना। कुट्टी की ये बात सुनकर काशी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। वो सोचने लगता है कि आखिर एक इतना छोटा बच्चा इतना समझदार कैसे हो सकता है। अब अगले दिन सुबह वो दोनों कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके उस मंदिर के पास एक झोपड़ी बनाने लगते हैं ताकि उसमें वो रह सकें। तभी उनको वहाँ मुत्तू देख लेता है, वही लड़का जो काशी को होटल वाले की दुकान पर पहले दिन मिला था। वो कहता है कि अरे बाबा आप यहाँ कैसे, मैं यहीं पास में रहता हूँ और मेरा मुर्गियों का फार्म है, अगर आपको कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। काशी ये सुनकर कुट्टी की तरफ देखने लगता है और बहुत ही धीमे से मुत्तू से कहता है कि शायद मुझे जिस चीज की जरूरत थी अब वो मुझे मिल गई है बेटा, फिर भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर जरूरत होगी तो मैं तुम्हें याद करूंगा। इसके बाद काशी और कुट्टी पास वाली नदी में जाते हैं और वहाँ घंटों नहाते हैं, फिर थोड़ा साफ सफाई का काम करके आए पैसों से सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं। अब अगले दिन कुट्टी काशी से कहता है कि मेरे दोस्त केडी, मैंने सुना है कि बुढ़ापे में आदमी जल्दी मर जाता है, इसका मतलब तुम बूढ़े हो तो तुम्हें भी जल्दी मरना होगा, इसलिए मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जिसको तुम पूरा करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाए। काशी कुट्टी की बात सुनकर हंसने लगता है और मन ही मन भगवान से कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने में निकाल दी और आज ये छोटा बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मेरी ख्वाहिश क्या है, जबकि मेरे बच्चों ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। तभी कुट्टी कहता है कि अरे कहाँ खो गए दोस्त, जल्दी बताओ मुझे कि क्या करना चाहते थे जो अभी तक करना बाकी है। इस तरह काशी अपनी एक एक करके सारी ख्वाहिशें कुट्टी को बताने लगता है और फिर टोटल 9 ख्वाहिशें सामने आती हैं, जिसमें बिरयानी खाना, रजनीकांत की तरह ड्रेस पहनना, विलायती दारू पीना, काले कोट पहनकर फोटो खिंचवाना, अपने दोस्तों को बाइक पर बैठाकर घुमाना, एक मूवी में एक्टिंग करना, ट्रेन के एसी कोच में ट्रेवल करना और अपना मन पसंद काम करके पैसे कमाना और आखिर में पढ़ना लिखना और सीखना। ये सब लिखकर अब कुट्टी कहता है कि चलो दोस्त अब एक एक करके तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। काशी कहता है कि अरे तुम तो अपनी ख्वाहिशें लिखो, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। तो कुट्टी कहता है कि मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं थोड़े ना मरने वाला हूँ, मेरी तो पूरी उम्र पड़ी है लेकिन तुम्हारी उम्र कम है और वैसे भी मुझे तो बस पढ़ना लिखना है और बाकी मेरी कोई और ख्वाहिश नहीं है। ये सुनकर काशी को बहुत खुशी होती है और फिर दोनों मिलकर उन ख्वाहिशों को पूरा करने निकल पड़ते हैं। अब सबसे पहले वो अगले दिन किसी खेत में काम करके पैसे कमाते हैं और 2 दिन पैसा इकट्ठा करके ट्रेन के एसी कोच में सफर करते हैं। बेचारा काशी ठंड के मारे चादर ओढ़ने लगता है तो कुट्टी उसे चिढ़ाता है कि अरे तुम तो पहली ख्वाहिश में ही कांप रहे हो तो बाद में क्या होगा। इस तरह काशी जैसे तैसे अपना सफर पूरा करता है। इसके बाद दोनों खेतों में काम करके पैसे इकट्ठा करने लगते हैं और मुत्तू भी उन दोनों की समय समय पर हेल्प करते रहता है। उसको भी काशी की ख्वाहिश के बारे में पता चलता है तो वो उसे अपनी बाइक चलाना सिखाने लगता है। अब इस बीच एक दिन जब कुट्टी और काशी साथ में उसी बिरयानी वाली होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं तो काशी बिरयानी ही ऑर्डर करता है, जिसको खाते देख फिर से होटल वाले की सेल बढ़ जाती है। अब ये देखकर कुट्टी कुछ हिसाब लगाता है और उस मालिक के पास आकर कहता है कि देखो मेरा दोस्त केडी कितना किस्मत वाला है, वो जहाँ भी जाता है पैसा उसके पीछे भागता है। मालिक कहता है कि कुट्टी तू सही कह रहा है, ये काका जब जब यहाँ आते हैं तो मेरी सेल बढ़ जाती है। कुट्टी कहता है तो ठीक है ना, तुम रोज उनको 100 रुपया और फ्री बिरयानी दोगे तो वो डेली यहाँ आते रहेंगे और तुम्हारी सेल भी होती रहेगी। मालिक कहता है कि मजाक कर रहे हो, मैं भला फ्री में बिरयानी और 100 रुपए क्यों दूंगा। कुट्टी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम नहीं दोगे तो सामने वाली होटल का मालिक दे देगा, पर याद रखना
एक बार केडी यहाँ से दूसरे होटल में चला गया तो वापस नहीं आएगा। अब बेचारा होटल वाला कुट्टी की बातों में फंस जाता है और कुट्टी को हाँ बोल देता है। असल में कुट्टी ये सब इसलिए कर रहा था ताकि काशी जल्दी से जल्दी पैसा इकट्ठा करके अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। जब ये बात काशी को पता चलती है तो वो कहता है कि तुम्हें उससे बात करने में डर नहीं लगा? अगर उसके बाप को पता चला तो वो उसको मारेगा कि आखिर तुम फ्री में खाना क्यों दे रहे हो। कुट्टी कहता है कि दोस्त, यहाँ सबका बाप मैं हूँ, सब मेरे बच्चे हैं और मेरी बात मानते हैं, यहाँ तक कि तुम भी मेरी बात मानते हो मेरे दोस्त। ये सुनकर काशी हंसने लगता है और फिर इस बात को यहीं छोड़ देता है। अब उसी रात काशी मुत्तू और कुट्टी को लेकर बाइक से अपने गांव पहुंचता है। छुपते छुपाते वो अपने दोस्त के घर जाता है और उसका दोस्त उसे देखकर बहुत खुश होता है। इसके बाद वो बाइक पर अपने दोस्त को बैठाकर पूरा गांव घुमाता है और इस तरह वो अपनी एक और ख्वाहिश को पूरा कर लेता है। अब रात को चारों लोग बैठकर बातें करने लगते हैं तो काशी का दोस्त बताता है कि काशी की बचपन में एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम वल्ली था। वल्ली चुपके से खेत में आकर काशी से मिला करती थी और काशी उसे आंवले का फल दिया करता था। ये सुनकर काशी काफी इमोशनल हो जाता है और अब कुट्टी अपनी लिस्ट में काशी की एक और ख्वाहिश को ऐड कर लेता है कि वो उसको उसकी गर्लफ्रेंड से जरूर मिलवाएगा। उधर ईशान गांव-गांव ढूंढते हुए एक दिन उसी गांव के पास आ जाता है जहां मुत्तू अपनी मुर्गियां देने आता था। काशी ने मुत्तू को रस्सी बांधना सिखाया होता है और वैसी ही गांठ जब ईशान मुत्तू के हाथ में लगी रस्सी को देखता है तो उसे काशी के घर पर बंधी रस्सी की याद आ जाती है। वो उससे इसके बारे में पूछने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन इतनी देर में मुत्तू निकल जाता है। ईशान दुकान वाले से उसका एड्रेस लेकर मुत्तू के फार्म पर पहुंचता है लेकिन किसी ने भी वहां काशी को कभी नहीं देखा था, इसलिए सब उसका फोटो देखकर मना कर देते हैं कि उन्होंने इस बूढ़े आदमी को कहीं नहीं देखा। इधर कुट्टी अपने दोस्त केडी को पढ़ना और लिखना सिखा रहा होता है कि तभी उन्हें पता चलता है कि पास के गांव में कोई फेस्टिवल है। कुट्टी कहता है कि काफी बच्चे अपने माँ बाप के साथ वहाँ जाते हैं लेकिन मैं हर बार यही सोचता हूँ कि आखिर वहाँ क्या होता होगा। ये सुनकर काशी इतना सा भी नहीं रुकता और फौरन उसको लेकर खाना खाने जाता है, फिर उसके साथ फेस्टिवल वाले गांव की बस पकड़ लेता है। हम सभी जानते हैं कि आखिर काशी ने ऐसा क्यों किया होगा। खैर, उधर ईशान और काशी का बड़ा बेटा अब उसी होटल वाले के पास पहुंचते हैं। वो उनको बताता है कि आप लोग कुछ मिनट्स लेट हो गए हो, ये दोनों अभी अभी खाना खाकर पास वाले गांव में फेस्टिवल देखने गए हैं। इतनी देर में काशी के बेटे के पास उनकी बड़ी बहन का फोन आता है कि बैंक वालों ने किश्त ना देने की वजह से घर खाली करवा दिया है, जल्दी से बाबा को ढूंढ लो नहीं तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। ये सुनकर अब वो अपना गुस्सा ईशान के ऊपर निकालता है कि तुम बेकार हो, इतने दिन हो गए तुमसे बाबा को नहीं ढूंढा गया। गुस्से में ईशान कहता है कि मुझे बस 4 दिन दो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास होंगे। ये कहकर वो भी उस गांव की तरफ निकल पड़ता है। उधर कुट्टी और काशी उस फेस्टिवल में पहुंचकर पहले काशी के लिए एक काला सूट भाड़े पर लेते हैं और उसका फोटो खिंचवाते हैं जिससे उसकी एक और ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ये सब करने के बाद वो दोनों वाटरफॉल के पास पहुंचते हैं जहां से कुछ लोग तेल से अपने कस्टमर्स की मालिश कर रहे होते हैं। कुट्टी का काफी मन होता है कि वो भी वहां पर मालिश करवाए लेकिन काशी को वो सब देखकर अपने बच्चों की बातें याद आने लगती हैं, इसलिए वो अच्छा फील नहीं करता। इसलिए वो कुट्टी से कहता है कि नहीं नहीं, यहां नहीं, कहीं और मालिश करवाएंगे, पर कुट्टी वही के लिए जिद करने लगता है। ये देखकर अब काशी गुस्सा हो जाता है और कुट्टी को वही छोड़कर फेस्टिवल में आगे निकल जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब काशी का गुस्सा ठंडा होता है तो वो कुट्टी के पास आकर माफी मांगने लगता है। कुट्टी भी अब तक समझ जाता है कि आखिर केडी वहाँ क्यों नहीं जाना चाहता था। इसके बाद दोनों में फिर से दोस्ती हो जाती है और वो फेस्टिवल में चले जाते हैं। रात को वो एक ड्रामा देखते हैं जिसके बाद काशी रजनीकांत की तरह ड्रेस पहनकर उसी ड्रामा में रजनी सर की एक्टिंग करने लगता है और कुट्टी भी उसका साथ देता है। इस तरह काशी अपनी ये ख्वाहिश भी पूरी कर लेता है और उन दोनों को परफॉर्मेंस के लिए फर्स्ट प्राइज भी मिलता है। माइक पर उनका नाम अनाउंस होता है तो ईशान भी वहाँ भागा भागा आता है लेकिन तब तक दोनों अपनी ट्रॉफी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पूछते पूछते ईशान उसी कॉस्ट्यूम वाले के पास पहुँचता है और फोटो दिखाकर काशी के बारे में पूछता है। दुकान वाला कहता है कि अरे ये बुड्ढा तो कॉस्ट्यूम लौटाकर भी नहीं गया, वो तो अच्छा है कि मैंने उसका एड्रेस भी लिया था। अब ईशान कॉस्ट्यूम के पैसे देकर उसी एड्रेस वाले पन्ने को लेकर वहाँ से चला जाता है। फेस्टिवल खत्म होने के बाद अब काशी और कुट्टी वो कॉस्ट्यूम लौटाने आते हैं तो वो दुकानदार कहता है कि अरे तुम्हारे पैसे तो एक आदमी ने दे दिए और वो तुम्हारा एड्रेस भी ले गया। ये सुनकर काशी समझ जाता है कि उसके बच्चे उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं, इसलिए वो कुट्टी से कहता है कि अब हम गांव वापस नहीं जाएंगे बल्कि सीधा यहाँ से वल्ली के पास जाएंगे और फिर गांव जाएंगे। ये सुनकर अब कुट्टी पास वाले पीसीओ से मुत्तू को फोन करके बताता है कि हम लोग गांव 2-3 दिन बाद आएंगे क्योंकि मेरे दोस्त केडी को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने शिवगिरी गांव जाना है। ये सुनकर मुत्तू कहता है कि अरे शिवगिरी के पास वाले गांव में तो मैं भी नाटक करने जा रहा हूँ, तुम लोग वहीं मुझे मिलना, कुछ जरूरी बात भी करनी है। इसी तरह ये बातें करके दोनों फोन रख देते हैं। रास्ते में अब ये दोनों थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं। तभी कुट्टी की नज़र एक विदेशी शराब की दुकान पर पड़ती है और उसे काशी की विलायती शराब वाली ख्वाहिश याद आती है। वो वहाँ पहुँच कर काफी कोशिश करता है
लेकिन दुकानदार उसे बॉटल नहीं देता। फिर जब एक आदमी वहाँ से शराब लेकर जाता है तो कुट्टी उसे मूवी के डायलॉग के साथ कहता है कि अरे ओ भाई, मेरे दादाजी को एक बोतल की जरूरत है, मेरे पास पैसे हैं, प्लीज एक बोतल दे दो। वो आदमी कहता है कि मैं एक फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ और तुम मेरे सामने ही एक्टिंग कर रहे हो। ये सुनकर कुट्टी का दिमाग ठनक जाता है। वो पूछता है कि सर, क्या आप वाकई में प्रोड्यूसर हैं? और इस तरह वो बातों ही बातों में उस आदमी की फिल्म की शूटिंग की जगह और टाइम तो पता करता ही है और साथ में बोतल भी ले लेता है। बोतल देखते ही काशी सोचता है कि अब वो क्या शराब पिएगा, वो भी इतने छोटे बच्चे के सामने। लेकिन कुट्टी उसे अपनी कसम देता है कि केडी, तुम्हें इसको पीना होगा क्योंकि ये तुम्हारी ख्वाहिश है। इसलिए कुट्टी का मन रखने के लिए काशी थोड़ी सी पी लेता है और मन ही मन उससे कहता है कि तुम्हारे माँ बाप कितने बदनसीब हैं जो तुमको उन्होंने मंदिर में छोड़ा। मेरे बेटों ने मेरा इतना ख्याल कभी नहीं रखा जितना तुमने रखा। ये सोचकर वो इमोशनल होने लगता है। खैर, अगले दिन वो दोनों उसी गांव में पहुंचते हैं जहां मुत्तू ने उनको बुलाया था। मुत्तू काशी से अकेले में कहता है कि बाबा, श्याम पुजारी का फोन आया था, कुट्टी की पढ़ाई का इंतजाम हो गया है, 4 दिन बाद उसे चेन्नई जाना है, इसलिए उसको वापस जाना होगा। ये सुनकर काशी गुस्सा हो जाता है और हैरान भी। वो कहता है कि ऐसे कैसे जाना होगा, मेरे दोस्त को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। दोस्तों, मूवी में अचानक यहाँ से हमें काशी के मन में कुट्टी के लिए अटूट फीलिंग्स देखने को मिलती हैं। वो फौरन कुट्टी को लेकर मुत्तू के पास से निकल जाता है और रास्ते भर कुट्टी के बारे में ही सोचता रहता है। अब अगले दिन दोनों शिवगिरी पहुँचते हैं जहाँ काशी अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड से मिलता है। काशी वल्ली को वही आंवले का फल देता है जिसके बाद दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बात करने लगते हैं और कुट्टी भी वही घूमता रहता है। वल्ली बताती है कि उसके बच्चे शहर में रहते हैं और कभी कभी वहाँ आते हैं। काशी भी उसको अपने बच्चों के बारे में बताता है जिसको सुनकर वल्ली काफी दुखी होती है। वो काशी से पूछती है कि अब तुम कुट्टी का क्या करोगे। काशी कहता है कि करना क्या है, वो मेरे साथ रहेगा और मैं उसके साथ। इस पर वल्ली कहती है कि ऐसा नहीं कर सकते तुम, वो बच्चा तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा है और तुम उसकी ख्वाहिशों का गला घोट रहे हो। वो अभी बच्चा है, उसका फ्यूचर है, तुम तो अपनी जिंदगी जी चुके हो, उसको तो जीने दो। कभी तुमने उसकी ख्वाहिशों को जानने की कोशिश की है? ये सुनते ही काशी को कुट्टी की वो बात याद आती है कि मुझे तो बस पढ़ना लिखना है और कुछ नहीं। इसके बाद काशी को एहसास होता है कि कुट्टी को खुद से दूर करना होगा और उसे उसकी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और बस स्टॉप पर काशी थोड़ा चुपचाप बैठा होता है। कुट्टी उससे पूछता है कि क्या हुआ दोस्त, तुम चुपचाप क्यों हो, क्या तुम वल्ली से मिलकर खुश नहीं हो? ये सुनकर काशी उसको कहता है कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी खुशी की वजह वल्ली नहीं, तुम हो, क्योंकि तुम अब बहुत जल्दी चेन्नई जाने वाले हो ताकि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर सको। ये सुनकर कुट्टी अब कहीं भी जाने से मना करता है। पहले तो काशी उसे डांटता है, फिर उसे अपने सीने से लगाकर उसे समझाता है कि मेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए तुमने मेरे साथ इतने दिन बिता दिए, अब मेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दो, मैं चाहता हूँ कि तुम पढ़ो लिखो और बड़े आदमी बनकर दुनिया की सेवा करो। इस तरह कुट्टी अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए चेन्नई जाने के लिए राजी हो जाता है। कुट्टी कहता है कि अभी एक चीज और बाकी है जिसको पूरा करने के बाद ही मैं चेन्नई जाऊंगा। काशी उससे पूछता है तो कुट्टी कहता है कि सुबह पता चल जाएगा। सुबह होते ही वो उसे बस में बैठाकर उसी लोकेशन पर ले आता है जहां फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इत्तेफाक से कुट्टी को पता चलता है कि फिल्म में एक सीन के लिए एक आदमी कम है। असल में फिल्म में एक शख्स की मौत हो जाती है जिसकी एक्टिंग करने वाला बूढ़ा आदमी अभी तक नहीं आया होता। कुट्टी की रिक्वेस्ट करने पर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर से काशी को उसी बूढ़े आदमी की जगह लिटाने को कहता है और इस तरह काशी की ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। काशी कहता है कि अब मेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरा करने का वक्त आ गया है दोस्त, चलो अब वापस चलते हैं। इसके बाद दोनों रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं जहां कुट्टी काशी से थोड़ा दूर बैठ जाता है। काशी उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम नाराज हो, क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश को इस तरह पूरा करोगे। इस बात पर कुट्टी रोने लगता है। पूरी मूवी में ये पहला सीन होता है जब कुट्टी इमोशनल होकर रोता है। वो काशी से कहता है कि मैं तो स्कूल चला जाऊंगा, लेकिन मुझे वहाँ देखने कौन आएगा, बाकी सब बच्चों के तो माँ बाप आएंगे। काशी कहता है कि तुम अकेले सबके बाप हो, तुम्हें किसी के बाप की जरूरत नहीं है, और रही बात देखने की तो मैं हूँ ना तुम्हारा दोस्त केडी, मैं तुम्हें देखने और मिलने आया करूंगा। ये सुनकर कुट्टी काशी को गले लगा लेता है और फिर वक्त आता है दोनों के बिछड़ने का। इसके बाद मुत्तू और श्याम वहाँ आते हैं और देखते ही देखते कुट्टी और काशी की दोस्ती का ये चैप्टर एक विराम ले लेता है और कुट्टी उन दोनों के साथ चेन्नई के लिए निकल पड़ता है। अब काशी वापस उस झोपड़ी में जाता है तो ईशान वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है।
ईशान उसे घर वापस ले आता है, जहां कुसुम अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है। वो कहती है कि बाबा आप कहां चले गए थे, मैं अब आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। काशी उससे कहता है कि बेटा परेशान मत हो, दुनिया में कई लोग हैं जिन्हें हमारी जरूरत है, हमें उनके साथ भी हमदर्दी रखने की जरूरत है। इसके बाद वो अपने बेटों की तरफ देखता है और उनसे प्रॉपर्टी के पेपर्स लाने को कहता है। पेपर्स के आते ही काशी उस पर अंगूठा नहीं लगाता बल्कि सिग्नेचर करता है, जिसको देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उसका बेटा पूछता है कि आपने ये लिखना कहाँ से सीखा, तो काशी कुट्टी को याद करते हुए कहता है अपने बाप से, और फिर वो चुप हो जाता है। अगले दिन कुसुम को छोड़कर सभी काशी को मारने का वो मालिश वाला प्लान फिर से तैयार करते हैं, और जब वो काशी के रूम में जाते हैं तो फिर से काशी उनको वहाँ नहीं मिलता। कुसुम ये देखकर मुस्कुराने लगती है क्योंकि वो अपने पिता के साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकती थी। पर इस बार कोई बच्चा काशी को ढूंढने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो सब असल में काशी को नहीं उसकी प्रॉपर्टी के हिस्सों को चाहते थे जो अब उनको मिल चुका था। इस तरह काशी अपने दोस्त के पास चेन्नई के लिए निकल पड़ता है, और यही होता है मूवी का दी एंड। दोस्तों इस मूवी के बारे में अब क्या ही कहूँ, एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को बहुत कुछ फील हो गया होगा, और मुझे उम्मीद है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बयां करेंगे, और साथ में इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसे ही मूवीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए मैं मिलूंगा अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।